अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों ये है रहमानाबाद का इलाका जहाँ पर अभी ऑपरेशन हुआ है। काफ़ी पुलिस की नफरी जो है ना यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर तकरीबन 100-150-200 के करीब जो है ना शैल भी फेंके गए थे। यहाँ पर ऑपरेशन बड़ा ख़तरनाक हुआ है, वही जो रहमानाबाद का हमने बताया था ना कि 200 मकान के करीब। ये देखें अब आग लगी हुई है यहाँ पे, ये शैल पड़े हैं, काफ़ी सारे शैल पड़े हैं, ये देखें। बहुत से लोगों को जो है ना यहाँ पर लेके भी गए। पुलिस की बहुत ज़्यादा नफरी जो है ना यहाँ पर तैनात है और अभी ये मकान तोड़ दिया गया है। क्या हाल है, ये सेवा देवी से मास्टर आई उनको सुबह से 3 करोड़ तो दोस्तों अभी ये जो है ना ये कार्रवाई की गई है। पुलिस की बख्तरबंदी गाड़ी है यहाँ पर। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर एंटी लैंड डिपार्टमेंट के, एंटी इंक्रोचमेंट के जो है ना KMC के जो है ना ये इमरान अहमद राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पता करते हैं कि ये कार्रवाई जो है ना कब से सुबह कितने बजे से जो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, ये कार्रवाई कब से स्टार्ट हुई है? आज सुबह से हमारी टीम यहाँ मौजूद है और ये तकरीबन 3.5 एकड़ की जगह है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हमें खाली करा। सही, तो सर तकरीबन कितने मकान आते हैं? 200 के करीब मकान आते हैं। इनको क्या नोटिस दिए गए थे? बिल्कुल, एक महीना पहले नोटिस दिए गए थे। और अभी जो कार्रवाई हुई है इसके बाद बावजूद भी जो है ना ये लोग बैठे हुए हैं, तो अभी क्या इनको जो है ना नोटिस बताया गया? देखिए यहाँ पर इंतजामिया मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पुलिस भी मौजूद है, घर खाली करवा रहे क्योंकि हमें 23 तारीख को कोर्ट में डेट है, उसमें कंप्लाइंस जमा करना है। और सर यहाँ पे थोड़ी हंगामा आ रही भी है, क्या पुलिस वाले कोई हमारे भाई वगैरह जो जख्मी हुए कि क्या हुआ कुछ? जी ये मुझे इतला है कि पुलिस वाले जख्मी हुए तकरीबन एक SHO साहब और शायद दो पुलिस वाले। और बाकी आवाम से भी यही दरख्वास्त है कि कोर्ट के हुक्म का एहतराम करें और अगर कोई इन्हें कोई शिकायत थी तो इन्हें कोर्ट से ही रुजू करना चाहिए था। हम इस पर मजबूर हैं, हमें कोर्ट के अंदर कंप्लाइंस जमा करानी है। और अभी जो इनको तारीख दी गई है वो कितने दिन तक की है? कोई तारीख नहीं दी गई, अब ये तो काम शुरू हो चुका है। और ये कितने दिन तक मुकम्मल हो जाएगा? अभी जब तक ये पूरी जगह क्लियर नहीं होती। थैंक यू सर। ये हमारे साथ राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, KMC एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर। और ये जो है ना हंगामा आ रही कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखें दोस्तों ये सारे नुमाइंदे हैं यहाँ पर। अबे आगे 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 ये जख्मी है, पीछे भी भाई आप लोग घर से आप लोग खुद से चले जाइए, आप लोग चले जाइए, मेहरबानी होंगे। तो यहाँ पर कार्रवाई हुई है, स्टार्टिंग में जो आपको मकान नज़र आ रहा है कोने पे, इसको अभी जो है ना तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद जो है ना 200 मकान की जो है ना
इनको नोटिस दिए गए थे, और नोटिस देने के बाद जो है ना अब इनको जो है ना एक मकान तोड़कर इनको टाइम दे दिया गया है कि अपना अपना सामान निकाल लें, क्योंकि कार्रवाई तो जो है ना यहाँ पर तोड़ना तो है इन्होंने, और 200 के करीब जो है ना मकान थे। हमने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो है ना 200 मकान के करीब जो है ना ये डिमोलिश करेंगे, लेकिन अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये डंपर भी, डंपर बोल रहा हूँ, ये बिलडोजर भी आया हुआ है। ये आपको आग नज़र आ रही है, पुलिस की काफ़ी नफरी। ये एक पक्करबंद गाड़ी है जो कि अंदर ख़राब हो गई थी, अब उसको जो है ना खींचा जा रहा है दूसरी पक्करबंद गाड़ी के ज़रिए। वो देखो उसका टायर भी जो है ना बस्ट किया गया है। ये देखें इसके ऊपर जो है ना पथराव भी हुआ है, तो ऊपर भी सारी लाइटें तोड़ दी गई हैं, तो इसको डैमेज कर दिया गया है गाड़ी को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो है ना नुकसान, इन्होंने नुकसान किया है। एक बख्तरबंद गाड़ी को दूसरी बख्तरबंद गाड़ी जो है ना खींच के लेके जा रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो ये देखें। अब ये गाड़ी रोड पे लेके जा रहे हैं ताकि जो है ना इसको इसके लिए इसके टायर को चेंज किया जाए और फिर गाड़ी को अपने मुकाम पर पहुंचाया जाए। पत्थर भी लगे हुए थे।